हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई और आलिया भाई नेपोटिज्म, सारा आलिया नेपोटिज्म, वरुण धवन नेपोटिज्म, आई और रामा बॉलीवुड का सारा बच्चा लोग नेपोटिज्म प्रोडक्ट होती, जिसका मतलब होती पिताजी एक्टर हैं हमारे, इसीलिए बॉलीवुड हमारी पुश्तैनी जागीर होती और आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। लेकिन व्हाट अबाउट बाहुबली प्रभास, जिनके पिताजी स्वयं साउथ के जाने माने प्रोड्यूसर हैं और इनको तो आप जानते ही होंगे, साउथ के हैंडसम हंक महेश बाबू, जिनका स्टारडम उनके पिताजी की देन है, और ये भाईजान साउथ से ज्यादा फेमस तो नॉर्थ में है, पहचाना, अल्लू अर्जुन, जिनके फूफा है स्वयं चिरंजीवी। अब जब साउथ में भी इतना भाई भतीजावाद है तो आखिर क्यों लोगों की नजर तीन पीढ़ियों से चले आ रहे नेपोटिज्म नहीं पड़ी, और कोई क्यों नहीं बोलता यहाँ इसके खिलाफ, जानेंगे आज इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल नेपोटिज्म इन साउथ इंडस्ट्री। नंबर वन, बाहुबली क्यों चली। अब बात करते हैं अपने बाहुबली बॉय प्रभास की, जिनका आजकल टॉलीवुड के साथ साथ बॉलीवुड में भी सिक्का चल रहा है। ये भी अपने पिताजी के दम पर ही आज इतने बड़े स्टार बने बैठे हैं, जिनका नाम है उप्पलपति सूर्य नारायण राजू, जो कि एक नामी तेलुगु प्रोड्यूसर थे, जिसकी वजह से ही प्रभास की कई फिल्मी डायरेक्टर से काफी अच्छी खासी पहचान थी। आप बाहुबली फिल्म ही ले लो, इस फिल्म के डायरेक्टर राजमौली को प्रभास पिछले 10 सालों से जानते थे, और जबरदस्त बॉडी के साथ साथ अच्छी खासी पहचान होने की वजह से राजमौली ने बाहुबली के रोल के लिए इन्हें चुना, जिसमें जबरदस्त एक्टिंग और रोल की वजह से ये फिल्म ना सिर्फ साउथ बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी खूब चली, और उसके बाद उन्हें साहो फिल्म में साइन कर लिया गया। लेकिन अपनी जबरदस्त एक्टिंग के साथ साथ प्रभास अपने फैंस के लव के लिए भी जाने जाते हैं, जो हर खास मौके पर अपने फैंस का ख्याल रखने से लेकर उन्हें गले तक लगाने से नहीं हिचकते। वेल, आपको कितनी पसंद है बाहुबली फिल्म और प्रभास, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर टू, राजकुमार कुनबा, मिलते हैं इनसे। इनका नाम है पुनीत राजकुमार, जिनको इनके फैंस पावर स्टार पुनीत के नाम से भी जानते हैं। अब अगर इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो भाई इनके स्वर्गीय पिता श्री डॉक्टर राजकुमार जी ना सिर्फ कन्नड़ा बल्कि बॉलीवुड में भी 250 से ज्यादा फिल्मों में लीड रोल कर चुके हैं। और ना सिर्फ एक्टिंग बल्कि वो एक उम्दा किस्म के सिंगर भी थे, जिनके गानों और प्रसिद्धि का फल मिला उनके 3 सुपुत्रों शिव राजकुमार, राघवेंद्र राजकुमार और पुनीत राजकुमार को, जिन्हें इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लेकिन आगे बढ़ने के लिए काफी मेहनत जरूर करनी पड़ी, और इस दौड़ में सबसे आगे निकल गए डॉक्टर राजकुमार के सबसे छोटे बेटे पुनीत राजकुमार। हालांकि इस एक्टिंग लाइन में आने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आप एक सुपरस्टार हैं और लोग आपको पावर स्टार मानते हैं तो आपको कैसा फील होता है, तो उन्होंने सीधा सा जवाब दिया, आई हैव नेवर कंसीडर्ड मायसेल्फ टू बी अ सुपरस्टार और अ स्टार और व्हाटएवर, एंड आई हैव ऑलवेज कंसीडर्ड दिस प्रोफेशन एज माय जॉब। मैं अपनी एक्टिंग को पावर स्टार की तरह नहीं जॉब की तरह करता हूं। अब लोगों को पसंद आ गया तो आ गया, और एक सुपरस्टार के बेटे होने के नाते जब उनसे उनके स्ट्रगल पर सवाल किया गया तो उन्होंने ये बात कबूल भी की। फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्रॉम द डे आई हैव स्टार्टेड वर्किंग एज अ मेन लीड इन सिनेमास, आई हैव नेवर कंसीडर्ड मायसेल्फ टू बी अ सुपरस्टार और अ स्टार और व्हाटएवर, एंड आई हैव ऑलवेज कंसीडर्ड दिस प्रोफेशन एज माय जॉब। ऑफ कोर्स आई कैरी द स्टेटस ऑफ बीइंग डॉक्टर राजकुमार सन, एंड आई फील एक्सट्रीमली हॉनर्ड बिकॉज़ we are protected in every sense, and wherever I travel, there is a boundary which says that yeah, you are safe, you are with the safe, and you are with nice people around you, and there are a lot of positive vibes and good things. So that credit definitely goes to the family I come from. कि उन्हें एक्टिंग में आने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उनके पिता का खुद का इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस था जिसका नाम है PRK प्रोडक्शन हाउस, तो किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब उनसे नेपोटिज्म से जुड़ा सवाल पूछा गया तो क्या हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। What challenges did you have to overcome in order to establish yourself as Puneet Rajkumar and not as the son of Dr. Rajkumar? पुनीत ने कहा कि I still remember I was driving around somewhere and I saw this man standing by corner and telling me that look how he's blowing up his pops money. And I had this thing in my mind as man, you need to do something by yourself, and I took it as a challenge. I tried my hands a lot of things. मेरी माँ ने जब मुझे 16th बर्थडे पर कार गिफ्ट की और मैं चला रहा था, तभी किसी ने कहा कि देखो जरा कैसे अपने बाप के पैसे उड़ा रहा है, तो ये बात मेरे दिल पे लग गई, और उसके बाद मैंने सोच लिया कि स्ट्रगल करके आगे तक जाना है, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता डॉक्टर राजकुमार के पैशन को फॉलो करते हुए एक्टिंग और सिंगिंग में काफी हार्ड वर्क किया, और आज साउथ इंडस्ट्री में पावर स्टार के साथ साथ उम्दा किस्म के सिंगर में भी गिने जाते हैं, जिन्होंने अब तक टॉलीवुड को 29 फिल्में दी हैं।
नंबर थ्री, महेश बाबू भी हुए नेपो प्रोडक्ट। और दोस्तों, इस नेपोटिज्म प्रोडक्ट की लिस्ट में अपने साउथ के चॉकलेट बॉय महेश बाबू भी शामिल हैं। जिनको आगे बढ़ाने में उनके परम पूज्य पिता श्री शिव रामकृष्णा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो भी साउथ के लेजेंडरी एक्टर के साथ साथ एक नामी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। और ना सिर्फ पिता बल्कि बड़े भाई रमेश बाबू भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं, जिनकी सबसे पहली प्रोड्यूस की हुई फिल्म थी हर दूसरे दिन टीवी पे आने वाली फिल्म सूर्यवंशम। अब जब बाप और भाई का इतना दबदबा था ही, तो महेश बाबू कैसे पीछे रहने वाले थे। सो उन्होंने भी कई तेलुगु फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया, लेकिन बतौर लीड महेश बाबू ने प्रीति जिंटा के साथ फिल्म राजकुमारुडु से डेब्यू किया था, जो काफी चली। उसके बाद वो एक के बाद एक फिल्में करते गए और अब तक 25 से भी ज्यादा फिल्में टॉलीवुड को दे चुके हैं। लड़कियां इनके लुक्स की दीवानी हैं। एक बात बताओ, मैं तुम्हें दिखने में कैसी लग रही हूँ? और इनकी जबरदस्त एक्टिंग की वजह से उन्हें कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए अप्रोच किया गया, बट उन्हें नहीं जाना बॉलीवुड में। अब क्यों, ये तो वही जाने। नंबर फोर, पवन कल्याण। और ये है तेलुगु मूवी के पावर स्टार पावर कल्याण। इनका एक्टिंग में आने का इरादा तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बड़े भैया चिरंजीवी को सक्सेसफुल होता हुआ देख इनका मन भी बदल गया और मार्शल आर्ट में करियर बनाने का सपना छोड़ ये भी एक्टिंग के रंगमंच पर उतर आए। अब वो बात अलग है कि पवन और चिरंजीवी के बीच 2010 में राजनीतिक पार्टियों की वजह से दरार आ गई, लेकिन फिर भी अपने एक्टिंग करियर का पूरा क्रेडिट वो भरी मीडिया के सामने चिरंजीवी को ही देते हैं, क्योंकि चिरंजीवी न सिर्फ उनके बड़े भाई हैं बल्कि इंडस्ट्री में उनके गॉडफादर भी हैं। पवन मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हैं, इसलिए उन्होंने कई फिल्मों में फाइटिंग सीन्स को खुद ही डायरेक्ट किया है। हालांकि उनकी पहली फिल्म अक्कड़ा मई इक्कड़ा अब्बई फ्लॉप रही, जिसके बाद उन्होंने दो तीन और फ्लॉप फिल्म की और बड़े भाई चिरंजीवी के नाम पे उन्हें फिल्में मिलती भी गईं। लेकिन 1998 में आई फिल्म थोली प्रेमा उनके लिए ब्रेक थ्रू साबित हुई और इसे बेस्ट फीचर फिल्म इन तेलुगु का अवार्ड भी मिला, जिसके बाद पवन को इंडस्ट्री में एक अलग पहचान मिली। यहाँ तक कि इस फिल्म को इतना पसंद किया गया कि इसकी हिंदी रीमेक भी बनाई गई, जिसका नाम था मुझे कुछ कहना है। पवन ना सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी दरिया दिली और अपने फैंस पर हमेशा प्यार बरसाने के लिए भी जाने जाते हैं, फिर चाहे वो गरीब लोगों की मदद करना हो या सेट पर काम कर रहे वर्कर्स के खाने पीने का ख्याल रखना हो। जो खाना सेट पर वो खाते हैं वही वो अपने सेट पर काम करने वाले वर्कर्स को भी खिलाने का ऑर्डर देते हैं, और उनकी इन्हीं आदतों की वजह से उनकी फिल्म फ्लॉप हो या हिट फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जाती है। फिलहाल पवन एक्टिंग छोड़कर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का काम करते हैं और ना सिर्फ भाई बल्कि बेटे रामचरण की पहली फिल्म को भी चिरंजीवी के बेटे की डेब्यू फिल्म होने की वजह से पहली ही फिल्म चिरूटा को जबरदस्त ओपनिंग मिली, जिसकी वजह से ये फिल्म काफी हिट तो रही लेकिन रामचरण की एक्टिंग लोगों को पसंद नहीं आई और लोगों ने उन्हें नेपोटिज्म प्रोडक्ट बताकर काफी क्रिटिसाइज भी किया, जिसके बाद राम ने खुद पर काफी मेहनत की और दूसरी ही फिल्म मगधीरा में जबरदस्त एक्टिंग के साथ वापस आए। ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई कि इसने साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म पोकिरी को बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया, जिसकी वजह से राम के सर से नेपोटिज्म का काला टीका गायब हो गया और वो इंडस्ट्री में अपने नाम से जाने जाने लगे। नंबर फाइव, अल्लू अर्जुन। और भाई लोग, ये हैं साउथ के सबसे स्टाइलिश हीरो अल्लू अर्जुन, जिनके फूफा सुपरस्टार हैं और बापू फिल्मों के प्रोड्यूसर, तो इनका तो फिल्मों में आना बनता है ना, सो कर ली एंट्री फिल्मों में। जी हाँ, ये साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी के साले अल्लू अरविंद के सबसे छोटे बेटे हैं, जो कि तेलुगु मूवी के जाने माने प्रोड्यूसर हैं। हालांकि नेपोटिज्म प्रोडक्ट का तमगा इनको भी पहनाया गया और इस बात से इन्होंने कई इंटरव्यूज में अग्री भी किया। We do have that mark on us saying that, oh, you guys are in nepotism, you got it easy because you're from the big family. Yes, I do agree to the part, with all humility, I agree to the part. It was being easy for us because we did get a platform very easy because my father is a producer. It was much easier for me to step in into this place. But कि हाँ, अगर आप एक बड़ी फैमिली से हो और आप सबको अच्छी तरह जानते हैं, तो of course आपको self-made star की तरह struggle नहीं करना पड़ेगा और लोग आपकी movie देखने आएंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप 10-15 सालों तक इंडस्ट्री में अपने रिश्तेदारों के दम पर राज कर लो, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। गाइज, ये बात शायद ही आप जानते होंगे कि साउथ के सबसे स्टाइलिश एक्टर कहे जाने वाले अल्लू अर्जुन को उनकी डेब्यू मूवी गंतोरी की रिलीज पर नेपोटिज्म के साथ साथ अजीब लुक्स की वजह से काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने अपने लुक्स पर जबरदस्त काम किया और अपनी दूसरी फिल्म आर्या में वो सिक्स पैक एप्स के साथ आए, जो कि काफी हिट भी रही। उसके बाद बनी, हैप्पी, देसामुद्रु जैसी कई हिट फिल्में बैक टू बैक की। इन फिल्मों के साथ साथ उनका स्टाइल और भी बढ़ता गया।
जिसके दम पर आज वो न सिर्फ तेलुगु बल्कि मलयालम में भी कई फिल्में कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनके फैंस उन्हें प्यार से मल्लू अर्जुन भी कहते हैं। मल्लू अर्जुन की सबसे बड़ी बात तो ये है, साउथ से ज्यादा उन्हें नॉर्थ में पसंद किया जाता है, जिसकी वजह से फोर्ब्स मैगजीन के टॉप 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में उनका नाम शामिल है और आज वो अपने एक्टिंग से ज्यादा स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। नंबर 6, रांझना। अब बात करते हैं रजनीकांत के जमाई राजा धनुष की। जिन्होंने कोलावेरी डी सॉन्ग से दुनिया भर में तहलका मचा दिया था, लेकिन क्या आपको पता है ये भी आज जो कुछ हैं वो सिर्फ अपने पिताजी कस्तूरी राजा, जो कि साउथ के अच्छे खासे डायरेक्टर थे, उनकी वजह से हैं। इन्होंने भी कुछ खास स्ट्रगल नहीं किया एक्टिंग में करियर बनाने के लिए। धनुष ने अपने पिताजी की ही 2002 में आई फिल्म थुलवदो इलामई से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, जिसमें उन्हें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन 2003 में आई फिल्म कादल कोंडे में उन्होंने एक मेंटली डिस्टर्ब लड़के का रोल प्ले किया, उनकी काफी तारीफ की गई और ये फिल्म उनके लिए ब्रेक थ्रू साबित हुई और कई फिल्मों के उन्हें ऑफर आने लगे। धनुष ने 2011 में अपनी एक ऐसी ही फिल्म के लिए गाना गाया जिसकी लाइन थी, अगर आप 90s के डो तो स्कूल टाइम में जरूर सुना होगा। इनका ये गाना इतना फेमस हुआ था कि हर कोई इस गाने पर अपनी वीडियो बनाता फिर रहा था और तभी बॉलीवुड वालों की नजर धनुष पर पड़ी और रांझना मूवी में पापा की परी सोनम कपूर के साथ इनको लीड रोल के लिए साइन कर लिया गया। हालांकि इस मूवी में जहां उनकी जबरदस्त एक्टिंग की तारीफ की गई, तो कहीं कहीं उनके लुक्स की वजह से उन्हें ट्रोल भी किया गया, पर धनुष ने अपने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए अपने लुक्स पर काफी काम किया और आज उनके पास बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स हैं। So, दोस्तों, ऐसा नहीं है कि साउथ में नेपोटिज्म नहीं है, वहाँ इस वर्ड का शोर इसलिए नहीं सुनाई देता क्योंकि भले ही इन एक्टर्स ने अपने बाप के दम पर एंट्री की हो, लेकिन टिके तो वो अपनी एक्टिंग और स्ट्रगल के दम पर ही है। थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो, इसे कहते हैं इंट्रो। भाई और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर डीजे, डीजे, डीजे। और लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। साथ ही साउथ में आउटसाइडर को भी उसके टैलेंट को पेश करने का मौका दिया जाता है। इसके अलावा एक चीज और गौर करना, जितना ये बॉलीवुड वाले अपने फैंस से बचने के लिए 25-30 गार्ड्स को लेके घूमते हैं ना, ये साउथ वाले भी लेके घूमते हैं, लेकिन फैंस से मिलने के लिए वो अपने बॉडीगार्ड्स को साइड भी कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग ना सिर्फ उन्हें पसंद करते हैं बल्कि उन्हें भगवान मानते हैं। वेल, आपको कौन सा साउथ का हीरो सबसे पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, मेरे चैनल फैक्ट बाई को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।